हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी सूर्यवंशी के बारे में कि क्या इस मूवी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा या नहीं। इन सभी डिटेल्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोरोना काल में अक्षय कुमार के फैंस के लिए सूर्यवंशी मूवी का इंतजार काफी लंबा हो गया है। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की फिल्म को मार्च में रिलीज किया जाना था लेकिन थिएटर्स बंद होने की वजह से फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई है। इसके अलावा रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 83 भी इसी सिचुएशन से गुजर रही है। हालांकि अब इन बातों की संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों फिल्म हमें OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस एंटरटेनमेंट की CEO SRKAR ने कहा है कि अगर सिचुएशन इसी तरह से रही और सिनेमाघर नहीं खुलते हैं तो पॉसिबल है कि हम फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा झुकाव 100% थिएटर की ओर है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम दिवाली और क्रिसमस से आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे और सच में देखकर नहीं लगता है कि सिनेमाघर इतनी आसानी से ओपन हो जाएंगे। और अगर हो भी गए तो काफी ऐसी मूवीज हैं जो रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर मैं इस साल की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी की बात करूं तो इस साल की सबसे ज्यादा मोस्ट अवेटेड मूवी है KGF जो कि हमें 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यही कंडीशन है कि क्या सिनेमाघर ओपन हो पाएंगे या नहीं। अगर हो भी गए तो ऑडियंस को सिनेमाघर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा तो इस चीज को देखकर मेकर्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे। और अगर KGF की बात की जाए तो अगर KGF 23 अक्टूबर को रिलीज नहीं हो पाती है तो ये मूवी हमें अगले साल 26 जनवरी को देखने को भी मिल सकती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है तो बीच में सिर्फ सितंबर का महीना है और वहीं KGF का भी कुछ हिस्सा अभी शूट होना बाकी है। तो हमें नहीं लगता कि KGF 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाएगी। दोस्तों आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 अगस्त को टेनेंट नाम की मूवी रिलीज होने वाली है जिसका निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ने किया है। ये मूवी 26 देशों में एक साथ रिलीज होने वाली है 26 अगस्त को लेकिन सिर्फ इंडिया में ही इस मूवी को रिलीज नहीं किया जा रहा क्योंकि इंडिया के अंदर कोरोना को लेकर सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं है और इसलिए सिनेमाघर के ओनर्स और राज्य सरकार इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती कि क्या सिनेमाघर खुलेंगे या नहीं और खुलेंगे तो कब तक खुलेंगे। इस बारे में अभी तक कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं आई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो सिचुएशन को ठीक होने में काफी समय और लग सकता है। अगर दोस्तों कहा जाए कि सिचुएशन को ठीक होने में ये साल पूरा निकल जाएगा तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कोरोना वायरस का पूरी तरह खत्म होना। जब तक ये पूरी तरह खत्म नहीं होगा लोग सिनेमा घरों की तरफ रुख नहीं करेंगे और ऐसे में मेकर्स बिल्कुल भी इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि उनकी मूवीज की रिलीज डेट डिले हो क्योंकि अब वरुण धवन और सारा अली खान की मूवी कुली नंबर को भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला ले लिया है जिसके राइट्स जल्द ही अमेज़न प्राइम खरीदने वाला है। और इस मूवी को कब रिलीज किया जाएगा इसकी अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई है। बाकी जैसे ही कोई इसकी कंफर्म न्यूज आएगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और वहीं बात करें सूर्यवंशी और 83 के बारे में तो दोस्तों जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक ये मूवी हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली और अगर क्रिसमस तक ये सिचुएशन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई तो ये मूवी हमें 100% OTT प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगी। आपको बता दूं कि सूर्यवंशी के अंदर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आ रहे हैं और वहीं फिल्म के अंदर अजय देवगन और रणवीर सिंह एक स्पेशल कैमियो में नजर आएंगे। और वहीं 83 की बात करें तो 83 कपिल देव के जीवन पर आधारित फिल्म है जिसके अंदर हमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ काफी सारे कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था लेकिन सिचुएशन की वजह से ये मूवी भी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई है। बाकी देखते हैं दोस्तों अगर जो सिचुएशन ठीक हो गई तो ये मूवी हमें शायद थिएटर में देखने को मिल सकती है वरना OTT प्लेटफॉर्म पर ही हमें इस मूवी को देखना पड़ेगा। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इन मूवीज को कहां पर देखना पसंद करोगे OTT प्लेटफॉर्म पर या थिएटर में। मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और साथ ही आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।